दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेले जा रहे आईसीसी टी20 विश्व कप में शुक्रवार को स्कॉटलैंड से सामना करने से पहले भारत की निगाहें दिन के मुकाबले पर टिकी थी, जहां उसी के ग्रुप में शामिल न्यूजीलैंड का सामना नामीबिया से था। भारत सोच रहा था कि शायद कुछ उलटफेर हो जाए, जिससे उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की राह आसान हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और न्यूजीलैंड ने नामीबिया को आसानी से 52 रन से हरा दिया। इसके बाद दुबई में भारत और स्कॉटलैंड आमने सामने हुए, जहां भारत के कप्तान विराट कोहली ने अपने जन्मदिन पर टॉस जीता और स्कॉटलैंड को पहले बल्लेबाजी करने की दावत दी। स्कॉटलैंड की टीम 17.4 ओवर में महज 85 रन पर सिमट गई, तो वहीं जवाब में जीत के लिए 86 रनों का लक्ष्य भारत ने केवल 6.3 ओवर में ही 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जिसके बाद टी20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हुआ है। ऐसे में भारत अब किस तरह सेमीफाइनल में पहुंचेगा, वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, स्कॉटलैंड पर भारत की जीत के बाद ग्रुप टू में समीकरण बेहद दिलचस्प बन गए हैं। पाकिस्तान चारों मैच जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। वहीं न्यूजीलैंड 4 में से 3 मैच जीतकर 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा भारत स्कॉटलैंड को हराकर बेहतर रन औसत के साथ अफगानिस्तान के मुकाबले तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि भारत और अफगानिस्तान दोनों ने 4-4 मैच खेलकर 2-2 मैच जीते हैं, लेकिन भारत का रन औसत अफगानिस्तान से अच्छा है। अब ऐसे में भारत सांस रोककर इंतजार कर रहा है कि किसी भी तरह अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे और भारत भी नामीबिया को हरा दे, ताकि भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान 6-6 अंकों के साथ समान रूप से पॉइंट्स टेबल में हो और सेमीफाइनल में पहुंचने का फैसला नेट रन रेट के आधार पर हो। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो भारत आसानी से सेमीफाइनल में जगह बना लेगा, क्योंकि भारत का अंतिम मैच नामीबिया से है और भारत की कोशिश रहेगी कि उस पर भी बड़ी जीत दर्ज करे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।